अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। क्लास थर्ड अब हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आपने क्लास टू में किया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंड मीन होता है चढ़ना। असेंड मीन चढ़ना। जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है उस पर पाँव रखते हैं। डारा का फोर्थ स्टेप पे तो नहीं जाते ना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे, फिर थर्ड स्टेप पे। अब जितने स्टेप्स का वो स्टेयर्स है तो आप इस तरह उसके ऊपर चढ़ते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कुछ नंबर आपके पास लिखती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ 15, 29 और मैं लिख रही हूँ 45 और मैं लिख रही हूँ 36 और मैं कहती हूँ 73, ठीक है। अब ये देखिए ये रेंडमली पड़े हुए हैं, यानी ये जो लिखे हुए हैं ये रेंडमली लिखे हुए हैं। रेंडमली लिखे हुए यानी 45 लिखा है, 15 लिखा है, 29 लिखा है, 36 लिखा है, 73 लिखा है। लेकिन अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, आप देखिए गौर से, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 15। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 15, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर करने लगे हम इसका, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा आएगा? 15, क्योंकि जब आप काउंटिंग लिखती हैं तो काउंटिंग लिखने में सबसे पहले, अब ये अगर नंबर आपके पास लिखे हो तो बताइए सबसे पहले नंबर कौन, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास 15, तो हमने सबसे पहले 15 लिखेंगे। चलिए, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि 15 का मामला हो गया, है ना। 15 का मामला क्या हुआ? 15 का मामला हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसके बाद जो नंबर है हमारे पास 45 है, 29 है, 36 है, 73, क्योंकि हमने इसका मामला कर लिया है, इसलिए अब जो इसके बाद नंबर है हम उन्हें देखेंगे। अब बताइए 29, 45, 36, 73 इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 29, है ना। 29 सबसे स्मॉलेस्ट है, क्यों? क्योंकि 36 29 से बड़ा होता है, और 45 भी 29 से बड़ा होता है, और 73 भी 29 से बड़ा होता है, तो इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 29। तो हम यहां लिखेंगे 29, ठीक है। अच्छा, यानी हमने 29 का भी मामला कर लिया, ठीक है, 29 को भी हमने देख लिया। अब कौन से नंबर्स बचे? 45, 36, 73। अब बताइए इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 36, है ना। इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 36। चलिए 36 लिख लिया। अब बताइए, अब 36 का मामला भी हो गया। अब कौन से बचे हमारे पास दो नंबर, 45 और 73। अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? कौन सा है? 45, है ना। तो अब हम 45 लिखेंगे, और अब आखिर में हमारे पास रह गया है नंबर सिर्फ 73, तो यानी अब लिखिए 73। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए हैं। मैंने कहा था ना, डायरेक्ट तो आप सबसे ऊपर वाले, जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर तो पाँव नहीं रखते ना, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखते हैं। तो अब अगर ये जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने लिखना है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आया 15, ठीक है। और 15 के बाद कौन सा आएगा? जब आप 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले 15 आएगा इसमें, उसके बाद कौन सा आएगा? 29 आएगा, उसके बाद काउंटिंग जब लिखते जा रहे हैं आप कौन से लिखेंगे, फिर 36 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 45 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 73 आएगा। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंड मीन क्या होता है? चढ़ना। असेंड मीन चढ़ना। देखिए ये आगे की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं ना, आगे की तरफ बढ़ रहे, बढ़ना चढ़ना, देखिए आगे की तरफ जा रहे नंबर। 15,
यानी असेंडिंग में नंबर बढ़ेंगे और डिसेंडिंग में क्या होगा, इसी का अपोजिट है डिसेंडिंग। अपोजिट तो समझते हैं ना, डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंड मीन होता है उतरना, बस ये याद रखिए आप, ठीक है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले जब आप ऊपर से, जब आप स्टेयर्स पे ऊपर से उतर रहे होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे तो पांव नहीं रखते ना, जो सबसे ऊपर जो आपका स्टेप होता है उस पे पांव रखते हैं, है ना। यानी इसका जो रिवर्स हो जाएगा, यानी अब सबसे पहले क्या आएगा 73, उसके बाद आएगा 45, उसके बाद आएगा 36, उसके बाद आएगा 29, उसके बाद आएगा 15। यानी डिसेंडिंग जो होता है वो असेंडिंग का रिवर्स होता है, उलट होता है। जैसे आप इसमें कम से ज्यादा की तरफ गए ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, फिर इससे बड़ा ये 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 था। लेकिन डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास और नंबर हो तो उसे कैसे करेंगे, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, ठीक है। चलिए अब इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। अब जल्दी से बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 20, 0, 95, 16, 34, 2, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कौन सा है। यस, जीरो सबसे छोटा है, है ना। तो यानी सबसे पहले ये आएगा जीरो, ठीक है। आप उसके बाद बताइए, आप जीरो का मामला तो हो गया ना, यानी खत्म। अब इसको हमने इसमें लेना ही नहीं, यानी क्योंकि हम इसका मामला कर चुके हैं। अब आ गया ये, कौन से बचे, 20, 25, 16, 34, 2। जब आप काउंटिंग लिख रहे हैं, जीरो से लेके 100 की काउंटिंग लिख रहे हैं, तो आप जल्दी से बताइए जीरो के बाद कौन सा नंबर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है। जीरो को निकाल दो और फिर बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, टू है, है ना। तो यानी अब आएगा टू, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे देखिए, अब टू को भी निकाल दें, जीरो को भी निकाल दें। अब बताइए, अब हमारे पास बचे हैं 20, 95, 16, 34, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 20। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं जी, 16 तो 20 से भी छोटा है, यानी अब 16 लिखेंगे, ठीक है। और हम टिक क्यों करते जा रहे हैं, ताकि हमें पता रहे हमने किस किस का मामला कर लिया है। अब 16 लिख दिया हमने, अब उसके बाद चलिए, अब कौन सा नंबर बचे हमारे पास, अब हमारे पास बचे 20, 95 और 34, तीन नंबर बचे। अब इसमें बताइए स्मॉलेस्ट कौन सा है, 34, 95, 20, 20, है ना, 16 के बाद तो 20 आता है, 20, ठीक है। चलिए अच्छा, अब 20 का मामला भी हो गया, अब सिर्फ टू नंबर हमारे पास आए, कौन से रिमेनिंग है हमारे पास, 95 और 34। अब बताइए अब कौन सा आएगा, 95 छोटा है, स्मॉलेस्ट 95 है या 34 है, 34, कौन सा है स्मॉलर इसमें, 34, ठीक है। चलिए अच्छा, अब कौन सा बचा, जब 34 का भी मामला हो गया तो अब कौन सा बचा, 95, ठीक है। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ के, यानी बिल्कुल स्मॉलेस्ट से फिर आगे ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी स्मॉलेस्ट जीरो, फिर इससे ग्रेटर 2, फिर इससे ग्रेटर 16, इससे ग्रेटर 20, इससे ग्रेटर 34, फिर इससे ग्रेटर 95। यानी हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे, असेंडिंग में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे और उन्हीं में काम करेंगे जो नंबर हमें दिए हैं। अपने दिमाग से अपनी तरफ से नंबर नहीं डालेंगे हम, जो हमें कहा गया है कि ये नंबर इनको अरेंज कीजिए, हम उसे उन्हीं को अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, अब इसका डिसेंडिंग बताइए कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको नहीं देख रही, आप यहां से बताइए डिसेंडिंग, मैं ये इरेज कर देती हूँ इसके जो
इससे चलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग मीन मैं देखिए यहां लिख रही हूं इसके ऊपर। अच्छा आप बताइए ग्रेटेस्ट कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 95। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 95। सही है, देखिए सब इससे छोटे हैं ना, 95 सबसे बड़ा है। तो यानी सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 95 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप 95 का मामला हो गया। अब हमारे पास 20, 0, 16, 34 और 2 बचा है। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 34 है ना, ग्रेटेस्ट है 34, क्योंकि 16 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, 20 भी छोटा है, 34 ग्रेटेस्ट है इनमें। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर में 95 को तो निकाल दिया, इसका मामला तो हम कर चुके हैं, है ना। तो अब कौन सा ग्रेटेस्ट है? 16, 34, 2, 0 और 20। कौन सा? 34। कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं ये हम? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए ये ग्रेटेस्ट था, अब इससे स्मॉलर। ठीक है, अच्छा अब 34 का मामला भी हो गया। अब हमारे पास कौन से नंबर बचे हैं? 20, 0, 16 और 2। अब इसमें देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है? 16 है, 2 है, 0 है, ये 20 है। 20 ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 20 है। अब 20 का मामला भी हो गया, इसका मतलब है। ठीक है, हम टिक यूं करते जा रहे हैं कि कभी हमसे दोबारा मिक्स ना हो जाएंगे नंबर। ठीक है, अच्छा अब कौन से बचे हमारे पास? 0, 16 और 2। अब 0 बड़ा है, 16 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 16। ठीक है, अब कौन सा बचा हमारे पास? 16 का मामला भी हो गया। हम टिक यूं करते जा रहे हैं कि ताकि हमसे मिक्स ना हो जाए, कभी गलत कर दें हम काम। ठीक है, आप भी इसी तरह बुक में टिक करते जाएंगे, छोटा सा साफ सुथरा टिक लगाइएगा। सर्किल में यहाँ यूं लगा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को बोर्ड पर वाजे हो जाए। ठीक है, अच्छा अब कौन से दो बचे हमारे पास? 0 और 2। अब बताइए 0 ग्रेटर है, अब ग्रेटेस्ट नहीं बोलेंगे, क्यों? सिर्फ दो हमारे पास नंबर है, 0 और 2। अगर इससे ज्यादा नंबर हो गए तो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट। अब सिर्फ दो नंबर है, 0 और 2। तो अब बताइए ग्रेटर कौन सा है, 2 ग्रेटर है या 0 ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है। कौन सा ग्रेटर है? 2, यानी अब आएगा 2। ठीक है, और फिर आखिर में कौन सा बच गया? 0। यानी हमने पहले आपसे कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर का जो रिवर्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। देखिए 95, 34, 20, 16, 2, 0 हो गया। अब आगे अच्छी तरह समझ में आपको ये? ठीक है, अच्छा अब ये तो आपने जो टेंस की काउंटिंग थी उसमें किया था। अगर 10 की काउंटिंग नहीं हो बल्कि आपके पास 100 की काउंटिंग हो तो आप कैसे करेंगे? चलिए अब करते हैं। अब देखिए क्या नंबर है ये? 395, 335, 303, 372, 300। ठीक है, अब हम देखेंगे 100 का फिगर सब में सेम है, सेम है ना सब में? ठीक है, अच्छा आप देखिए 95, क्योंकि 300 तो सब में सेम है, 95, 35, 3, 72 या 0, 300। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 300। क्यों सबसे स्मॉलेस्ट 300 क्यों है? क्योंकि 300 के बाद आता है 301, वो यहां नहीं है। 301 के बाद आता है 302, वो भी यहां नहीं है। फिर आता है 303 है, यानी 303 से पहले 300 आता है। तो इसका मतलब है 300 इन सब में, देखें 95 है, ये 35 है, ये 72 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आपका कौन सा नंबर है? 300। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट।
ठीक है, तो 300 लिख दिया हमने कॉमा, अब 300 का मामला हो गया। अब कौन से नंबर बचे हमारे पास, देखिए मैं कह रही हूँ 100 का फिगर सब में सेम है ना, तो हम बस इन फिगर्स को देखें तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रेट, अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, 372, 303, 335, 395, स्मॉलेस्ट सबसे कम, 72 कम है क्योंकि 3 तो सब में सेम है, तो 72 स्मॉलेस्ट है, 3 स्मॉलेस्ट है, 35 स्मॉलेस्ट है, 95, 303, ठीक है, 303, चलिए 303 का मामला भी हो गया है ना। अच्छा अब चलिए आगे, अब कौन से बचे, अब हमारे पास बचे 372, 335, 395, 300 को तो देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो तीनों में सेम है, हम देखेंगे 95, 35, 72, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 35 स्मॉलेस्ट है, 72 स्मॉलेस्ट है या 95, 35 कौन सा, 35, तो अब हम लिखेंगे 335, ठीक है। अब उसके बाद अब सिर्फ दो नंबर बचे हमारे पास, 395, 372, ठीक है। अब बताइए कौन सा स्मॉलर है इसमें, 395 या 372, कौन सा स्मॉलर है, 372 स्मॉलर है, और फिर आखिर में आपके पास बच गया 395, सही। अच्छा अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर मैं पहले से इरेज कर देती हूँ, ये जो ब्लू हमने टिक लगाए हैं, ठीक है। अब डिसेंडिंग में क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी अब देखेंगे हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 3 तो सब में सेम है तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई, आप देखें 95, 35, 372 या 300 कौन सा सबसे बड़ा है, 95 वाला, यानी 395 सबसे बड़ा। बस आपने ये याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, आप ये बस याद रखिए, और डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा अब 95 हो गया, अब इसके बाद कौन सा ग्रेटेस्ट है, अब ये बचे सिर्फ आपके पास नंबर, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यस 372, उसके बाद बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट, अब ये तीन नंबर सिर्फ बचे हैं आपके पास, 335, और उसके बाद कौन सा है, 303 या 300 कौन सा ग्रेटर है, 303, ठीक है, और उसके बाद 300, यानी डिसेंडिंग में क्या करेंगे आप, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और जो करते जाएंगे उसे टिक करते जाएंगे ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये वाला नंबर कर लिया, और असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सही है। अब चलिए अब हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए अब गौर करें, 404, 635, 298, 185 और 920, यानी ये सब डिफरेंट 100 है ना, सब क्या है, डिफरेंट 100 है, सही है। अब हम अपनी पेंसिल से, अब मैं पेंसिल से तो नहीं कर सकती इसलिए मैं अब किससे कर रही हूँ, ब्लू पेन से काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, अपने रफ कॉपी में करेंगे। अब यानी इसका 100 हम ऊपर लिख लेते हैं, ये 400 का फिगर है, ये 600 का फिगर है, ये 200 का फिगर है, और ये 100 का फिगर है, और ये 900 का फिगर है, ठीक है। तो जरा जल्दी से इसको देख के बताइए, क्योंकि असेंडिंग मीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग मीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब इन्हें 400, 600, 200, 100, 900, इनमें से कौन सा 100 सबसे स्मॉलेस्ट है, शाबाश।
यानी 185 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब है 100 से बना हुआ नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे 185। अब कौन से बचे? अब बचे हैं 404, 635, 298 और 920। अब 4, 6, 2, 9, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4 है, 9, 2 है, तो यानी 2 से बना हुआ जो नंबर है, 200 से जो बना हुआ नंबर है वो क्या है? वो स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी कौन सा यहाँ अब स्मॉलेस्ट है? 200 से बना हुआ नंबर स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब उसे लिखा क्यों? असेंडिंग मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब चलिए आगे। अब इसका मामला भी हो गया। अब हमारे पास कौन से बचे हैं? 404, 635, 920। अब इसमें देखिए 400 वाला फिगर स्मॉलेस्ट है, 600 वाला स्मॉलेस्ट है या 900 वाला? 400 वाले से जो फिगर बना है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो यानी अब हम लिखेंगे 404। सही है। अब हमारे पास कौन से दो नंबर बचे हैं? 635, 920। तो अब 600 से बना हुआ स्मॉलर है या 900 से बना हुआ स्मॉलर है? कौन सा है? 6, क्योंकि 6 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, तो 6 से बना हुआ स्मॉलर है। ठीक है, तो फिर अब हम लिखेंगे 635। उसके बाद हमारे पास एक नंबर बचा है, बस वो आखिर में आ जाएगा 920। देखिए अब आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, 185 इससे बड़ा होता है, 298 उससे बड़ा होता है, 404 उससे बड़ा होता है, 635 उससे बड़ा होता है, 920 है ना। और अब इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते, चलिए हम कोई और नंबर ले लेते हैं डिसेंडिंग के लिए। सही है, डिसेंडिंग के लिए कोई और नंबर लेते हैं, इसको नहीं करते। चलिए कोई और नंबर, अब मैं 1000 का नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब पहले तो हम, अब हमने 1000 का नंबर लिया है। ठीक है, अब हम पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से 1000 है। ये रखेंगे, ये कौन सा 1000 है? 1000। ये कौन सा 1000 है? 3000। ये कौन सा 1000 है? 3000। ये कौन सा 1000 है? 9000। और ये कौन सा है? 5। और ये है 2। ठीक है, यानी ये फिगर जो बन रहा है ये 1000 से बन रहा है, ये 3000 से बन रहा है, ये फिगर भी 3000 से बन रहा है, ये 9000 से बन रहा है, ये 5000 से बन रहा है और ये 2000 से बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं स्मॉल, नहीं हम डिसेंडिंग ऑर्डर करने लगे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम इसमें देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो जो ग्रेटर नंबर से बना होगा। देखिए 1, 3, 3, 9, 5, 2, यानी 9 से जो नंबर बना होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, है ना। तो यानी 9200 सबसे पहले आएगा, 9200 सबसे पहले आएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब 9 का मामला हो गया, अब 1000, 3000, 3000, 5000, 2000, अब इनमें 1, 3, 3, 5, 2 इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5000, यानी 5000 से जो नंबर बना है वो बड़ा है, तो अब उसको लिखेंगे 5, 4, 2, 4। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि डिसेंडिंग मीन होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सही है, अब कौन सा बचा हमारे पास? अब बचा 1, 3, 3, 2। अब 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? अब इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो इसमें 3 ग्रेटेस्ट है, लेकिन एक मसला खड़ा हो गया, 3 ग्रेटेस्ट है तो यहां तो दो नंबर 3 से बन रहे हैं। ठीक है, जब दो नंबर 3 से बन रहे हैं तो अब इनमें ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, तो आप इसका ये वाला नंबर दीजिए। जी 3 तो सेम है ना, ये है 245, ये है 260, अब इसमें कौन सा बड़ा है? ये सेम है ना नंबर, ये इसमें भी 2 है, ये इसमें भी 2 है, लेकिन ये यहां 45 है, ये यहां 60 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें? ये बड़ा है।
इसका मतलब है ये वाला बड़ा है नंबर 3260 बड़ा है, 3260 बड़ा है, ठीक है। और फिर हमारे पास बचा 1000, 3245 और 2002। अब इसका तो मामला कर लिया ना हमने, है ना। अब ये बचा, तो अब इसमें तो 3 बड़ा होगा, तो यानी अब ये वाला नंबर आएगा 3245। और फिर उसके बाद अब हमारे पास बचे ये दो नंबर 1 और 1000 और कौन सा 2002। अब इनमें ग्रेटर कौन सा है, 1 है या 2 है? 2 से बना हुआ है, 2 से बना हुआ है, यानी अब 2002 बड़ा है। और फिर एक ही नंबर बचा कौन सा, 1000। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये याद रखना है हमने, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 के ऊपर जो काम है, पहले ऊपर जो है नंबर 1, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद नीचे जो है पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने अकलमंदी से करना है, मैंने आपको 100 में और 1000 में और टेंस में, उसमें जो है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाया है अभी, तो आप समझदारी से कीजिएगा। अब यहाँ 10,000 में भी आ रहा है, जैसे आपका एक डी पर क्वेश्चन नंबर 1 और डी इसका पार्ट है 11,954, 11,459, 11,594, 11,945, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 तो सेम है, तो यानी इसके बाद आपके पास जो 100 वाले नंबर्स हैं उसको आपने चेक करना होगा, ठीक है। उसको फिर अरेंज करेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरा 11,000 वाला भी सेट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला जो फिगर है आपके पास, इसके बाद वाला जो आपका पार्ट है वो है 57,306, 67,603, 67,036 और 53,760। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 10,000 वाला यानी 57, 67, 67, 53 ये लेते हैं, तो अब इसमें आपने देखना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 53,760 है ना। अब फिर उसके बाद सबसे स्मॉल, जब इसका मामला हो गया तो अब इसके बाद कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, अब यहाँ 57,306, ये 57 कम होता है ना, 67 ज्यादा होता है, तो यानी इसके बाद ये वाला नंबर आ गया 57,306। लेकिन उसके बाद ये 67,000 के जो दो नंबर है, अब इसमें आपने इस तरह का, मैंने अभी एक एग्जांपल 1000 में आपको सिखाई है, अब ये अकलमंदी से पूरा सोच समझ के पहले 2-3 मरतबा इस वाली वीडियो को देखिएगा, और फिर देखने के बाद फिर सोच समझ के इसे कीजिएगा। ये आपने यही जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिए हुए हैं इसी में, और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब आपके पास जगह कम होती है तो छोटी राइटिंग में काम करते हैं, जितनी राइटिंग में वहाँ बुक में किया हुआ है उस साइज में करते हैं काम, ताकि काम गंदा ना हो। अस्सलाम वालेकुम।